हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्यामा गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज दोस्तों मैं 20 से भी ज़्यादा ऐसे गर्मियों की फूल आपको दिखाऊंगी जो कि आप कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं। अगर आप नर्सरी नहीं जा सकते तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको 5-6 इंच की कटिंग कहीं से भी मिल जाए तो आपकी पूरी गर्मी फूलों से भरा रहेगा गार्डन। तो चलिए दोस्तों दिखाती हूँ। सबसे पहला फ्लावर है सनफ्लावर का प्लांट। ये आपके कहीं नियर डियर में लगा है तो आप इसकी कटिंग ले आइए। अगर नर्सरी से नहीं ला सकते तो आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी। ये ड्रॉप वैरायटी में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। जैसे आपके पास स्पेस है उसके अनुसार आप इस प्लांट को लगा सकते हैं और इसके बीज कलेक्ट करके अगले साल भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों अपराजिता का। ये शो प्लांट है, इसकी भी आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और बीज से भी लगा सकते हैं। और अभी इसका फ्लावरिंग का टाइम है और ये बेलनुमा भी रखना चाहते हैं तो बेल रखिए, और वैसे आप छोटा रखना चाहते हैं तो आप इसको छोटा भी रख सकते हैं। और इसके फ्लावर पूजा में बहुत शुभ माने जाते हैं और ये प्लांट भी बहुत शुभ है, तो ये इसको इस प्लांट को आप ज़रूर लगाइए दोस्तों। तो देखिए कितने सुंदर फ्लावर हैं, ये 2-3 कलर के, आप तो कई कलरों में आने लगे हैं दोस्तों। और जैसे जैसे आप इसकी कटिंग करते जाएंगे वैसे वैसे ये आपका खूब फैलता जाएगा और फ्लावरिंग देता जाएगा। फ्लावरों को साथ साथ रिमूव कर दीजिए, इसमें सीड्स मना नहीं आने देंगे तो ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों हिप्सिकस, जिसको हम गुड़ल भी कहते हैं। तो ये तो हर गार्डनर्स के पास होना चाहिए क्योंकि बहुत इजी मेंटेनेंस वाला प्लांट है। इसको भी आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और नर्सरी से भी ला सकते हैं दोस्तों। ये रूबी डबल पेटल, सिंगल पेटल और हाइब्रिड में तो बहुत सुंदर सुंदर कलर्स आते हैं इसके, तो ये प्लांट आप ज़रूर लगाइए। इसकी कटिंग आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। जब भी आपने कटिंग प्रूनिंग करते हो तो आप उसकी स्टिक को पानी में डाल के रख दीजिए तो पानी में भी इसकी रूट्स आ जाती हैं, और रूट्स आने के बाद आप इसको सॉइल में आराम से लगा सकते हैं। तो ये मेरा फेवरेट प्लांट है दोस्तों, गुड़ल का प्लांट मुझे बहुत ही पसंद है। मेरे पास तो 4-5 प्लांट्स हैं गुड़ल के और ये मैंने सभी कटिंग के द्वारा लगाए हैं दोस्तों, तो इस प्लांट को आप ज़रूर शामिल कर दीजिए। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों हमारा हार श्रृंगार का, जिसको कि हम पारिजात के नाम से भी जानते हैं। ये भी बहुत शुभ प्लांट है दोस्तों और ये भी देखिए कटिंग द्वारा लग जाता है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो मैंने नीचे लगा रखी है ये कटिंग है मेरी। ये सर्दियों में बड़े वाला प्लांट जो है दोस्तों ये मेरा ख़राब हो गया था, मगर अब ग्रोइंग पीरियड में आ गया है तो अब इसमें भी फ्लावरिंग बड़े वाले में आ जाएगी, तो इसको आप ज़रूर लगाइए। ये भी शुभ प्लांट है, देखिए इस रात के समय में इसके फ्लावर गिरते हैं जो कि बहुत ही खुशबू फैलाते हैं और देखने में भी बहुत ही सुंदर फ्लावर है दोस्तों, तो इसको ज़रूर ऐड कीजिए। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों एडेनियम। एडेनियम हम सब जानते हैं, इसको बस पानी कम देना है आपने और धूप में रखना है। ये दो बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका एडेनियम हमेशा बना रहेगा। इसको भी आपने हम फरवरी में कटिंग प्रूनिंग करते हैं तो ये भी हम कटिंग के द्वारा इसको इजीली लगा सकते हैं। बस कटिंग के द्वारा जो लगाते हैं दोस्तों उसमें कॉडेक्स नहीं बनता है, बनेगा तो बहुत छोटा सा बनेगा। और जो ये देखिए ये मेरा कटिंग द्वारा लगा हुआ है और जो मेरा सीड के द्वारा भी है एक छोटा सा, उसमें आप छोटे से में ही देखिए बिल्कुल कोडेक्स अभी से ही हल्का सा नज़र आने लगा है। तो यही फ़र्क रहता है कटिंग से लगाए हुए प्लांट में और सीड से लगाए हुए प्लांट में। तो आप किसी भी तरह से लगाएंगे मगर फूल तो दोनों में ही आएंगे दोस्तों। तो आप एडेनियम, ये भी बहुत सख्त धूप को भी सहन करने वाला प्लांट है, तो मैं यही सारे प्लांट आपको आज दिखा रही हूँ जो धूप में आपके आराम से चल जाएंगे। इनको सबको कटिंग मिल जाए तो सैंडी सॉइल, थोड़ी सी हाफ सैंड और हाफ सॉइल में आप लगा सकते हैं इन सभी प्लांट को। और वाटरिंग का ध्यान रखिए, नमी को बनाए रखिए और इसकी नमी ना सूखने पाए, इस तरह से सभी प्लांट आप कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं। अगला प्लांट है दोस्तों जीनिया का। तो जीनिया में भी ड्रॉप वैरायटी में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, जैसा आप लगाना चाहे। आपको लॉन्ग पसंद है तो लॉन्ग लगाइए, शॉर्ट पसंद है तो शॉर्ट लगाइए। इसके फूल सूख जाने के बाद इसी को आप गमले में स्प्रेड कर देंगे तो नए नए प्लांट्स आपके होते जाएंगे। और आगे से टिप को काटते जाइए प्लांट को घना करने के लिए, और जैसे ही फ्लावर सूख जाता है तो फ्लावर को तुरंत हटा दीजिए दोस्तों। तो इसमें जीनिया में भी आप बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं और गर्मियों में बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है, बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स आते हैं इसके। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों चंपा का। चंपा भी अब ग्रोइंग पीरियड में फूल चल रहा है दोस्तों, आप इसकी कटिंग के द्वारा भी लगा सकते हैं और सुंदर सुंदर व्हाइट कलर के फूल आते हैं इसमें जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। अगला है मेरा सबसे फेवरेट, शायद सबका ही फेवरेट होगा दोस्तों, ये है हमारा मोगरा का प्लांट, जो कि अब गर्मियों में ये भर भर के फ्लावरिंग देगा। मोगरे को भी आप कटिंग के द्वारा बड़ी आसानी से लगा सकते हैं
और बहुत दो चार अगर प्लांट आपने लगा दिए तो आपकी बगिया पूरी फूलों से महकी रहेगी दोस्तों। और इसके भी स्पेंट फ्लावर को हटाते जाइए, और जब टिप में कई बार तीन चार पांच कलियां इकट्ठी आ जाती है, जब सारे फ्लावर आगे के फ्लावर्स खिल जाए तो आप आगे की टिप्स को इसको साथ साथ सॉफ्ट प्रूनिंग करते जाइए। जितनी आप सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे उतनी ज़्यादा ब्रांचेज निकलेगी, और ब्रांचेज के साथ साथ उतनी ही आपको फ्लावरिंग देगी। हर महीने इसको थोड़ा 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 सा कोई फर्टिलाइजर देते रहिए तो ये आपको पूरी गर्मी आपके गार्डन में फूल ही महकाता रहेगा। अगला प्लांट है दोस्तों विंका का, तो देसी विंका और हाइब्रिड विंका दोनों तरह की आती है, आप कोई सी भी लगा सकते हैं। हाइब्रिड विंका को थोड़ा गर्मी में संभालना मुश्किल हो जाता है दोस्तों, मगर देसी विंका बड़े आराम से चलती है, तो देसी विंका के भी बहुत सारे फ्लावर देता है गर्मियों में, और इसको आप कटिंग के द्वारा खूब सारे एक प्लांट में से अनेक प्लांट लगा सकते हैं। अगला प्लांट है दोस्तों चांदनी का, ये तो मैं आपको डबल पेटल की चांदनी दिखा रही हूँ, सिंगल पेटल की भी चांदनी आती है, और ये भी बहुत अच्छे फ्लावरिंग करती है। सर्दियों में वाइट कलर के फूल आते हैं इसमें, डबल में थोड़े से मोटे गुथवा फूल आते हैं, और सिंगल पेटल में पतले पतले फूल आते हैं, तो जो मर्जी लगा सकते हैं आप। अगला प्लांट है फ्रेंड्स एक्जोरा का, एक्जोरा कई कलर्स में आता है, बहुत सुंदर सुंदर कलर में आता है, मेरे पास तो ये एक ही कलर है, तो इस एक्जोरा को भी आप कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं। अगर आपके पास एक प्लांट है तो एक में से आप कई बना सकते हैं, और कलर कलेक्शन करना चाहते हैं दोस्तों तो आपके नियर डियर के पास है, तो देखिए जैसे मैं बता रही हूँ, आप पाँच छः इंच, चार से पाँच इंच की ऐसी डंडी लेके और नीचे के पत्ते रिमूव कर दीजिए, और इसमें एलोवेरा जेल लगा के आप, मैं तो उसी गमले में देखो ऐसे लगा देती हूँ, मगर थोड़ा सा छाया आनी चाहिए क्योंकि बड़ा प्लांट है मेरा, तो इसके नीचे छाया ही रहेगी। इस तरह से आप लगा दीजिए तो आपके एक में से कई प्लांट तैयार हो जाएंगे। और एक्जोरा पूरा गुच्छों में फ्लावरिंग करता है, तो जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये है एलामंडा, मेरे पास बेल में है दोस्तों, तो ये एलामंडा भी आप बुश वाला भी ला सकते हैं या बेल वाला भी ला सकते हैं, ये भी पूरी गर्मी आपको बहुत फूल देगा। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों रेन लिली, ये भी हर गार्डनर के पास होनी चाहिए, ये भी तीन कलर्स में आती है, मैंने तो तीन कलर में देखी है, येलो वाइट और पिंक, और तीनों ही कलर मेरे पास हैं दोस्तों। तो ये एक बल्बस प्लांट है, छोटे छोटे प्याज नुमा, बिल्कुल प्याज तो बड़ा होता है, उससे छोटे छोटे बल्ब होते हैं इसके, आपको कहीं से भी एक दो बल्ब मिल जाए तो आप लगा दीजिए, एक से आपके एक ही सीजन में 8-10 बन जाएंगे, अगले से 10 से 20, और इस तरह आप 50-100 बल्ब इतनी जल्दी बनेंगे, एक दो साल में आपका पूरे गार्डन इससे भर जाएगा, आप निकालते निकालते थक जाओगे। तो आपके पास नहीं है दोस्तों तो किसी नियर डियर से आप एक बल्ब ला सकते हैं, एक में से ही बहुत सारे हो जाते हैं। और ये अगर इसको थोड़ा सा बारिश का पानी मिल जाए फिर तो कहना ही क्या, बारिश आते ही इतना ज़बरदस्त फ्लावरिंग करता है और बहुत ही सुंदर फूल लगते हैं। रेन लिली के जब ये खिलते हैं ना घास के ऐसे घास नुमा इसकी पत्तियाँ होती है और ऊपर फूल ही फूल दिखते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है दोस्तों। अगला प्लांट जो मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों ये है पेंटास का प्लांट, और पेंटास भी कई कलर्स में आता है, और इसके बड़े वाइब्रेंट कलर होते हैं, डार्क कलर, जामनी कलर होता है इसमें, रेड कलर होता है, वाइट कलर होता है, पिंक कलर होता है, बहुत कलर में आते हैं। मेरे पास ये जामनी कलर है और एक लाइट पिंक सा है, तो इसमें भी इस फ्लावरिंग आ चुकी है दोस्तों। तो देखिए जैसे ही फ्लावरिंग आ जाए आप तुरंत टिप की कटिंग को कट कर दीजिए ताकि ये आगे और फ्लावर देने में इसको सहूलियत होगी, और इसको घना करने के लिए ऐसे टिप्स के दो दो आगे के पत्ते रिमूव करते जाइए। तो ये भी पूरी गर्मी हार्डी प्लांट है, गर्मी को सहन करने वाला प्लांट है, देखिए इस तरह से गुच्छों में आपको फूल देगा। नेक्स्ट तो दिखा रही हूँ दोस्तों मैं आपको मैक्सिकन पिटूनिया, तो मैक्सिकन पिटूनिया भी दोस्तों हाइब्रिड में भी आता है, ये छोटा रहेगा आपका हाइब्रिड ड्रॉप वैरायटी वाला, और जो देसी पिटूनिया होगा आपके पास वो लंबा रहेगा। ये देखिए ये है लॉन्ग वाली वैरायटी, ये है देसी, तो एक मेरे पास पर्पल है इसमें और एक पिंक कलर है, दो कलर के मेरे पास है, और जो हाइब्रिड मैंने आपको दिखाया था वो मेरे पास वाइट कलर का है। तो ये भी पूरी गर्मी बहुत अच्छी तरह गर्मी को सहन कर लेता है, इसको कोई दिक्कत नहीं आती है, बस आप इसको अच्छी तरह से वाटरिंग कर दीजिए, इसको फुल धूप मिलती रहे और लिक्विड फर्टिलाइजर थोड़ा थोड़ा इसको डालते रहिए, और इसको कोई ज़्यादा खाद की जरूरत नहीं है, और पूरी गर्मी ये भर भर के फूल देता है, जो कि बड़े सुंदर लगते हैं इसके फूल। रहता तो एक ही दिन है इसका फूल दोस्तों, मगर फूल इतने आते हैं कि आगे आगे आप इसके टिप्स काटते जाएंगे, ऐसे ऐसे आपको ये खाऊंगी दोस्त देता जाए। ये जट्रोफा का, ये आपको रोड साइड में और पार्क में बहुत देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट है, फुल धूप में रहता है, पार्कों में या सड़कों पे कोई छाया की व्यवस्था नहीं होती है, तो ये धूप में बहुत अच्छी सी और कम पानी में फ्लावरिंग करता है। इसी तरह का एक और ये जो आप देख रहे हैं ये है कनेर का प्लांट, तो ये भी ओलियंडर भी कहते हैं, कनेर भी कहते हैं, ये भी रोड साइड में आपको बहुत भर भर के देखने को मिल जाएंगे, और इतने इसमें तो आजकल इतने सुंदर सुंदर कलर्स आने लगे हैं कि हर गार्डनर का जी करता है कि ये प्लांट हमारे गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। तो इसकी ड्रॉप वैरायटी लगा सकते हैं दोस्तों, अगर आप पॉट में लगाना चाहते हैं तो देखिए कितने सुंदर सुंदर कलर्स आते हैं इसमें,
तो इस प्लांट को अभी आप लगाइए, इसको कटिंग से बड़े आराम से लगा सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास नहीं है तो कहीं से कटिंग मिल जाए तो कटिंग ले आइए। ये नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों, यूफोर्बिया मिली। तो देखिए इसमें भी वैसे तो कांटे होते हैं, थोड़ा टॉक्सिक भी होता है, अपने पेट से और बच्चों से बस थोड़ा सा इसको बचा के रखिए। और बहुत सुंदर फ्लावरिंग करता है, बिल्कुल कम पानी। अगर आप जैसे गर्मियों में वैकेशन है, आप आराम से इसको छोड़ के घूमने जा सकते हैं। आप इसको 20 दिन 25 दिन भी पानी नहीं देंगे तब भी आप घूम के आएंगे तो आपका प्लांट आपको वैसा का वैसा ही मिलेगा। और फूलों से भरा रहता है गर्मियों में भी। ये तो 12 महीने फ्लावरिंग देता है। और इसको बस कटिंग इसकी एक दिन के लिए रख दीजिए, इसमें दूध सा स्वैप सा निकलता है, उसको थोड़ा सूख जाने दीजिए और उसके बाद आप इसको लगा सकते हैं। अगला प्लांट है दोस्तों लेंटाना का। ये भी कई कलर्स में आते हैं। वैसे तो दोस्तों ये जंगली प्लांट है, मगर इसके फ्लावर हमको इतना आकर्षित करते हैं कि हम इसको लगाने के लिए अपने गार्डन में मजबूर हो जाते हैं। आप कहीं गाँव वगैरह में जाएंगे तो खेतों खातों के साइडों में इतना भर भर के आपको बड़ा बड़ा पूरा 4-4, 5-5 फुट के होते हैं इस टाइप के लगे मिलेंगे। तो इसमें भी ये रेड कलर आता है, एक येलो आता है, येलो तो मेरे पास है ही, रेड भी है, अभी कटिंग लगाई है मैंने पर अभी उसमें फ्लावरिंग नहीं आई है। और एक मल्टी कलर में होता है। तो इस तरह से आप इस प्लांट को भी छोटे से छोटी कटिंग 4-5 इंच की कटिंग लगा देंगे सैंडी सॉइल में, किसी भी सॉइल में लगा दीजिए दोस्तों। ये तो बहुत ईजीली लग जाता है और इसको ज़्यादा खाद पानी की भी ज़रूरत नहीं है, धूप अच्छी तरह से सहन कर लेता है। जितनी धूप में रखोगे उतनी फ्लावरिंग करेगा। आगे की टिप इसकी कटिंग करते जाइए और भर भर के ही आपको फूल तो देता रहेगा। अगला प्लांट है दोस्तों गेंदा। वैसे तो हम सर्दियों में लगाते हैं गेंदे को, मगर गर्मियों का भी अलग टाइप का अलग वेरायटी का आता है गेंदा। तो आप गर्मी की वेरायटी लगाएंगे तो आपका गर्मियों में भी गेंदा खिलेगा और थोड़ा छोटा खिलेगा, मगर खिलेगा ज़रूर। तो ये आपकी जो गर्मी की सब्जियाँ हैं उसमें पॉलिनेट करने में बहुत आपको काम आएगा और मच्छरों को भी मच्छरों से भी बचाव आपको आपके गार्डन में कीट पतंगे और मच्छर से बचाव करता रहेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट पर्सुलेन और पर्चुलका की बात ना करें दोस्तों, गर्मियों में तो ये तो हो नहीं सकता और इनके बिना हमारा गार्डन बिल्कुल अधूरा है। क्योंकि गर्मियों में अगर आपने पर्सुलेन और पर्चुलका लगा दिया तो आपका गार्डन में फूलों की कमी नहीं रहेगी। तो इसका भी वही है दोस्तों, आगे आगे कि आप कटिंग लगाते जाइए, जैसे जैसे ये लंबा होते जाते हैं ये प्लांट, तो वैसे मैं उनकी कटिंग तोड़ तोड़ के उसी गमले में लगा देती हूँ तो बहुत ज़्यादा बूशी हो जाती हैं। और जैसे जैसे प्लांट फ्लावर होते जाएंगे आप इसको आगे आगे से कट करते जाइए तो ये फूलों से भरे रहेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।